स्वागत है आप सबका मिस्टोगन गेमिंग में। और चलिए शुरू करते हैं पोकेमोन सोर्स वर्जन। सो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें पता चला था इक्लिप्सर के बारे में और हमने एक क्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वही क्वेस्ट। ओके, हम यहाँ पे भी इससे बात कर सकते हैं। ओह यस, वी नो दैट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर क्यों पता नहीं ऐसा है यहाँ पर। चलिए छोड़िए, कंटिन्यू करते हैं। रूट फोर, अरे मुझे पोकेमोन नहीं चाहिए अभी के लिए, तो नहीं चाहिए अभी के लिए। रिपल है हमारे पास, रिपल यूज़ कर लेते हैं। नाइन रिपल्स, आई होप ये इनफ होंगे। ये भी शुरू हुआ, मार्क पंच, अरे नहीं, थंडर पंच के साथ जाना चाहिए हमें। मार्क पंच किसी काम का नहीं है। विड्रिल के अगेंस्ट तो थंडर पंच इफेक्टिव रहेगा ही रहेगा। अरे यार, हमारे पास कैसे भूल जाता हूँ मैं, हमारे पास एक्सपी शेयर पड़ा है। आइस पंच भी सीख रहा है कार्यो, क्या ही कहने, मार्क पंच नहीं चाहिए। वैसे मैं ये सब मूव रखने नहीं वाला, पर अभी के लिए ये मूव ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू जो हम यूज़ कर रहे थे। एक्सपी शेयर दे दिया, ये ऐसे ही इवॉल्व हो जाएगा आई थिंक। और एक ट्रेनर बैटल, हमारे तो हमारे पास दो दो मूव है फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट, आइस पंच। ड्रैगन टाइप के अगेंस्ट भी हमारे पास काफ़ी मूव है। अरे वाह, अब हम थंडर पंच यूज करेंगे, यो ही ना बात। अगर वो लेवल 20 पे चला गया तो इवॉल्व हो जाएगा। और हमें ढूंढना है अभी स्क्वाटल की फैमिली को, ये भी बहुत ज़रूरी मिशन है। क्योंकि वो रॉक टाइप था इसलिए वो अभी तक लेवल 20 में चला जाता है। अल्ट्रा वॉल मिल गया, बहुत बढ़िया। आह सॉरी, आई डिडेंट मीन टू बम्प इनटू यू लाइक दैट, इट्स ओके। व्हाट्स द हरी फॉर? ओह, आई एम हेडिंग टू एमर सिटी, द मेट्रो इज अंडर मेंटेनेंस। ओह सेम हियर, द मेट्रो इज बस्टेड, सो आई गॉट ऑन फुट। यू लुक फेमेरियर, हैव वी मेट बिफोर? आई डोंट थिंक सो। ओह, आई रिमेंबर सीइंग यू इन द बैटल सेंटर बैक देन। माय नेम इज लायरा बाय द वे, नाइस टू मीट यू। आह, दैट मेक्स सेंस, आई एम आशर लाइकवाइज। Oh hey, if we are both Pokemon trainers, how about a quick battle to compare our skills? Didn't this happen before with that Lucas kid? Oh well, okay, why not? Hehe, I won't hold back. Wow, ये वही ना बात, हमारे पास move है और ऐसे ही हमारा Perlion भी evolve हो जाएगा Leopold में। ये वही ना बात, Vulpix हमारे पास है, Water type। क्यों ही हमें टेंशन लेना है, मुझे लगता है थोड़े इवॉल्व करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अरे यार, अरे नहीं यार, बबल के साथ जाना चाहिए था। कम ऑन, यूज बबल मैन। चलो, ये तुमने बहुत बढ़िया कर दिया, खुद को यार आकर ना गो लुकारियो, लुकारियो ही जाना ठीक रहेगा। Lucario is strong. अरे आइस पंच है हमारे पास, मैं भी कैसा भुलक्कड़ हूँ, अभी अभी सीखा है वो आइस पंच और मैं भूल गया कि वो आइस पंच है उसके पास। बेली क्या हुआ हमारे पास, अगर फायर पोकेमॉन नहीं है फिर भी हम जीत सकते हैं। आ लेवल 20, ये हुई ना बात, फाइनली व्हाट Perlion इट्स इवॉल्विंग। Congratulations, your Perlion evolved into Zypart. Wow, that was intense. Thanks for the quick battle. Here, let me heal your Pokemon. Oh, thank you. We should both get going now. See you at the tournament. ऐसा हमें स्क्वाटल की फैमिली को ढूंढना है बाय द वे, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। कहाँ मिलेगी स्क्वाटल की फैमिली हमें?
यू कॉन्ट पास हियर। अरे जाने दो भाई, तो चलिए अब हमारे पास थंडर पंच और आइस पंच है, तो हम काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं क्योंकि हम हमारे पास वैरायटी ऑफ अटैक है जो हम सिखा सकते हैं। अरे यार क्यों थंडर पंच के साथ गया हमें, आइस पंच तो सुपर इफेक्टिव होता है। यह अभी तो ग्राउंड टाइप हुआ नहीं है लगता है, ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है। लाइफ पर अच्छा अटैक सीखा नहीं है पर मैं उम्मीद करता हूँ वो अच्छा अटैक सीख जाएगा इन फ्यूचर। माकुहिटा फ्लिंच होगा, थंडर पंच सॉक, थंडर पंच क्योंकि हमारे पास ना साइकिक टाइप अटैक है ना हमारा काउंटर यूज किया है उसने। पीछे जाओ, हील करो, वापस आओ, यही करते बैठो और क्या ही कहने। लेवल 22 पे चला गया, लेवल 21 स्टफल। वाह अच्छा वाह, पैरालाइज तो कर दिया भाई तूने। वाह अटैक फेल हो गया इसका, क्यों अटैक फेल कर रहा है हमारा भाई, हारने तो वाला है तेरे से तू। चलो एक और अटैक गया, थैंक गॉड। जब लाइफ पर थोड़ा अटैक सीख जाए तो बढ़िया हो जाए। चलो वापस चलते हैं, अब क्या ही करेंगे, थोड़े रिपल भी परचेस कर लेंगे, अभी वापस जा ही रहे हैं तो। चलो इससे ही पूछ लेते हैं, एक मिशन क्या था, आई फाउंड हिम बाय द रिवर इन मोर क्लोज टू हियर। ये यहाँ पर क्या, ओह मेट्रो है यहाँ पर, वो मेट्रो ही था मतलब, ठीक है। हिडन एरियाज, व्हाट आर दिस हिडन एरियाज दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट। चलो रिपेल तो परचेस कर लेते हैं, अभी बहुत ट्रेनर कह रहा है तो हमारे पास पैसा ही पैसा है। 25 इज इनफ फॉर नाउ। रिवर साइड क्या है, एक बार टाउन मैप चेक कर लेते हैं। हु फोन एट वर्ल्ड मैप, रूट 4 पे होगा शायद मैप, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं आगे, जैसे कंटिन्यू करेंगे पता चल ही जाएगा। हमें ढूंढना है इसकी फैमिली को, नहीं यहाँ पर, अरे जा सकते हैं पर आगे नहीं जा सकते, कोई फ़ायदा नहीं है फिर, अगर आगे नहीं जा सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है। यही रिवर होगी शायद, अरे वो देखो पोर्टल दिख रहा है मुझे वहाँ पर। चलो मतलब ये मिशन भी हो जाएगा, बस रिवॉर्ड कलेक्ट करने का हमें वापस जाना पड़ेगा, वो ही एक प्रॉब्लम की बात है, बाकी कुछ नहीं। अरे यार ये प्रोटेक्ट ब्रिटेक मत यूज़ करोगे, अरे याद दो दो बार प्रोटेक्ट यूज़ करना, ठीक है मूव है क्या प्रोटेक्ट। और ये गया हेरा क्रॉस, रियलीज वाओ अच्छा मूव है, क्विक अटैक। यहाँ पर इस होटल था कुछ तो, यस देखो स्वेटल की फैमिली मिल गई हमें लगता है। सर गर्डल, इट सीम्स लाइक ही नोज देम, दिस इज प्रॉब्लम हिज फैमिली, ही सीम्स लाइक यू रियली हेल्प हिम फाइंड हिज फैमिली, थैंक यू फॉर योर हेल्प, अलाउ मी टू गिव यू दिस एज अ थैंक यू गिफ्ट फॉर योर एफर्ट्स। आइटम फाइंडर, ओ वाटर पल्स यू इन अ बात, हम कोई देर नहीं करते ये टीम सिखाने में, पता नहीं रिएजेबल है कि नहीं पर क्यों ही हमें वेस्ट करना है वाटर पल्स जैसा टीम।
वैसे भी हमारी नेक्स्ट राउंड बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। लर्न बाय एशर, ओके। ये अच्छा हो गया कि ये मिशन हो गया हमारा और हम अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इक्लिप्स टूर्नामेंट में। ओ या लगता है हम पहुंच भी गए, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर क्या है एक बार देख लेते हैं, कुछ भी नहीं। तो चलिए किस की देरी है, हमें शुरू करते हैं इक्लिप्स टूर्नामेंट राउंड टू। फाइनली पोशन बिशन भी लेके रखते हैं, क्या पता कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए हमें। बाय पोशंस, अरे ये ज़्यादा हो जाएगा। 5 ठीक है अभी के लिए, सुपर पोशन 5 ठीक है अभी के लिए। मैं हारना नहीं चाहता, बस यही बात है, इसलिए एंटीडोट 2 है, पैरालाइज 2। चलिए ठीक है, इज नॉट सर ओके। पीजी टैक्सी, हाँ शायद यही बैटल टावर है, ऑफकोर्स यही है। हम सिटी बैक में एक्सप्लोर कर लेंगे, अभी तो शुरू करते हैं राउंड 2 ऑफ द इक्लिप्स टूर्नामेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सेकेंड राउंड ऑफ द इक्लिप्स टूर्नामेंट। आई होप एवरी वन इज गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम, बोथ व्यूअर एंड कंपेटिटर्स। द फर्स्ट बैटल टुडे इज एशर वर्सेस रेगिनाल्ड। प्लीज़ कम टू द एरिना एंड गिव द व्यूअर्स अ स्पेक्टेकुलर बैटल। हाँ हाँ क्यों नहीं, उसी के लिए तो आए हम यहाँ पर। आइस पंच है तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमें नुकारियो आइस पंच और थंडर पंच सीख गया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोम्ब्रे वाटर टाइप है, अरे यार मुझे आइस पंच यूज़ करने चाहिए था, बहुत जल्दी जाता। ओके नॉट बैड, मुझे लगा ये आइस, अरे हाँ कोई भी बात नहीं है, कुछ भी हम यूज़ करते तो फ़र्क नहीं पड़ता। अरे यार कम ऑन लुकारियो, उठ जा मेरे भाई लुकारियो। फोर्स पान यूज़ किया मैंने, क्या ही है, मैं भी क्या अटैक यूज़ कर रहा हूँ। आइस पंच होने के बाद भी मैं टाइम पास किए जा रहा हूँ सिर्फ। फेकआउट सीख रहा है, कुछ तो अटैक सीख रहा है। आशीष भूल जा मेरे भाई, वैसे आशीष काम पे तो आता है पर बहुत रिस्की मूव है। एंड द विनर इज एशर। All right, looks like we already have the winners in this group. Time for the second fight. Asher versus Stacy. Cherry versus Josh. चलो हम तो फिर हम ये पास डाउन करते हैं। ये लेवल 22 पर है। आइटम टेक, आइटम गिव। कम ऑन कम ऑन। वॉट अ क्यूट ओपोनेंट आई हैव हियर। अच्छा इसने हमें क्यूट बोला लगता है। क्लैपी, अरे बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अरे यार लुकारियो भी पैरा लग चुकी होगी। लिस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम इस यूज कर गया तुमको। लेवल 19, ये कौन सा बोल रहा है। अरे कम ऑन यार ऐसा मत करो, एक अटैक यूज करो लुकारियो, ये अभी ना बात। फाइनल से पहले तो हम हील अप कर ही लेंगे। एंड द विनर इज एशर। अमेजिंग, वी हैव आवर फर्स्ट फाइनल्स ऑफ द सेकेंड राउंड, एशर वर्सेस चेरी। चलो ये ग्रास टाइप लगता है मुझे पर पैरालाइज हील। ये ओवल स्टोन हमें कहाँ से मिलना, क्या पता, याद में नहीं आ रहा ओवल स्टोन कहाँ पर मिलना हमें। छोड़ो क्या ही करेंगे, ओवल स्टोन है, एवर स्टोन दोनों है, हार्ड स्टोन है। अच्छा मुझे लगता है ओवल स्टोन मैंने ढूंढा था ऐसे ही।
अगर उस लेडी को यही चाहिए होगा तो वो मिशन भी हम कर सकते हैं। हेलो ट्रेनर, माय नेम इज चेरू, आई केम फ्रॉम द सिनो रीजन, आई होप माय जर्नी वाजंट अ वेस्ट, लेट्स एंजॉय आवर फाइट। ऑफ कोर्स या, अब हमारा जो करियर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, विलमर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ग्रास टाइप नहीं है ना फायर टाइप, तो हमें दुकारी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये कौन सा पकवान है? ओ कम ऑन, अरे यार प्लीज़ ये मत यूज़ करो, तीसरी बार तो तुम यूज़ ही नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं यूज़ करने का। फैंसी टाटा बाय बाय, आराम जाओ, गिर गए ऐसे ही। ये भी लेवल 21 में गिर गया, रैपिड स्पिन नहीं सीखना इसे, सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड। माय माय, आई गेस दिस इज द एंड फॉर मी एंड द विनर इज एशर। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव द ट्रेनर हु इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस ग्रुप, एशर हैज फिनिश्ड एंड वन राउंड टू। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है? चलो हील, टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम द, आई हर्ड योर राउंड टुक अ बिट लॉन्गर देन फॉर एवरीवन एल्स, सो आई डिसाइडेड टू ट्रेन अ बिट ऑन रूट 6 इन मीन टाइम, आई पास सो आई एम स्टिल गोइंग स्ट्रांग, लेट्स मीट अप एट रूट 6। तो हमें हमें जाना है रूट 6 पर, रूट 6 देखते हैं यहाँ से जाते कैसे। ओके आई विश, ये क्या हुआ था पता नहीं, पर हुआ था कुछ। You can find the arena set on my channel. ये ग्लिच है कि नहीं पता नहीं, मैं सेव कर लेता हूँ, मुझे कुछ और नहीं करना अभी, मतलब मैं नहीं चाहता कोई और मुसीबत आए। हु फोन देख लेते हैं, जाना है कहाँ है मेरा, अरे हु फोन वर्ल्ड मैप, यहाँ पर तो रूट 12 है, रूट 6 शायद लेफ्ट में जाना है। ओके 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 ओके, समझ में आ गया मुझे, बैक रूट 6 शायद यही से होगा। अरे यार मैं क्यों रिपल वेस्ट कर रहा हूँ। ओके हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं सिटी, शायद यही होगा रूट 6 पर जाने का। ओह यहाँ पर दो दो है, क्या ही कहने, फोन सेंटर भी दो है यहाँ पर, शायद बहुत ही ज़्यादा बड़ी सिटी है इसलिए। ओ पुलिस ऑफिसर भी ज़्यादा है इस सिटी में, क्या ही कहने, ये अभी जाने नहीं देगा। रूट 12 पे यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड है नहीं है, ये नॉर्मल पोकेमॉन सेंटर है अपना। यहाँ पर कुछ बाय करने के लिए है, आई होप मैंने सिटी एक्सप्लोर कर ली है अच्छी तरह से, यहाँ पर तो जा ही नहीं सकते, शायद राइट से भी ज़्यादा जा नहीं पाएंगे, रूट 6 होगा यही से। ओके रूट 6 यहाँ से है तो वहाँ पे क्या था, ओके हम यहाँ पे नहीं जा सकते अभी के लिए तो नहीं जा सकते, यहाँ पे क्या है, ओ हम यही से रूट 4 से आए थे यहाँ पर। ओके तो राइट में जाकर देखते हैं क्या है, अगर सब कुछ हमने एक्सप्लोर किया हुआ तो हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। ओके कोई फ़ायदा नहीं है, चलिए रूट 6 पे ही चलते हैं अभी। तो दोस्तों मुझे लगता है हमें यही रुक जाना चाहिए अभी के लिए, हम अगले पार्ट से रूट 6 से ही कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप